और कोई मेरे साथी समस्या बताना चाहेंगे? माई कंसर्न इज बेसिकली द पोल्यूशन एंड द ट्रैफिक। मेट्रो पॉलिसी विच अनाउंस दैट इज फ्री फॉर ऑल वुमन अक्रॉस इन दिल्ली, बट आई फील द व्हाट आई हर्ड इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज द सेफ्टी इज द मेन कंसर्न दैट यू हैव। Good evening, sir. So my question is that we want CCTV in our area for the security purpose. So I hope that you see into it as soon as possible. Good evening, sir. Sir, मेरी एक concern है कि यहाँ पे जो NDMC workers हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, वो लोग time पे कभी नहीं आते हैं। पूरा गंदा रहता है यहाँ पे, litter इधर उधर पड़ा रहता है। उनसे कुछ बोलिए तो वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं, बोलते हैं हम आते हैं आप देखते नहीं हो या जो भी है। गंदगी की बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे, मतलब वो लोग दे आर नॉट रेगुलर अपना काम करने के लिए। एक ये अनुरोध था आपसे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आज सैटरडे की शाम को टाइम निकाल के सब लोग मेरे से मिलने के लिए आए हैं। मेरा भी आज आपसे आने का मकसद था, आपसे मिलने के, आपकी समस्याएं सुन के कोशिश करके उनका समाधान निकालने की। तो पहले जो जो समस्याएं आई हैं उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। आपने जो बाउंड्री वॉल का, आपका पोटा केबिन हो गया, आपका ओपन जिम हो गया, बाउंड्री वॉल की प्रॉब्लम ये थी कि ये बाउंड्री वॉल CPWD की है या NDMC की है, दोनों में झगड़ा चल रहा था। अब बड़ी किस्मत हम सबकी अच्छी है कि झगड़ा सॉल्व हो गया और ये NDMC ने टेक ओवर कर लिया। तो ये केवल आपकी नहीं थी, दिल्ली के अंदर जितनी सोसाइटीज हैं मतलब NDMC में, सबका ये झगड़ा था। अब ये झगड़ा सॉल्व हो गया तो अब आपकी बाउंड्री वॉल की रिपेयर चालू हो जाएगी, जो आपकी वो समस्या थी वो सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी। आपने इसमें लिख के दिया है पेड़ों की छटाई, ये हम तुरंत करा देंगे आपके पेड़ों की छटाई। जैसे ही इसमें कोई इसी आने वाले हफ्ते के अंदर आप अपना नाम नंबर हमारे कौन रोहित उनका नाम नंबर ये ले लो, आप इनका नंबर इसमें लिखा हुआ है, और इनसे पूछ के जो जो छटाई करानी है सारे पेड़ों की छटाई करा दीजिएगा। भाई साहब ने दो तीन प्रश्न पूछे थे, एक तो मेट्रो के किराए के बारे में थे, वो मैं अलग से बताऊंगा, और आपका था कि मैं विधानसभा में आता नहीं हूँ। मैं विधानसभा में बहुत घूमता हूँ, मतलब मुख्यमंत्री का और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उसके भी मद्देनजर मेरा कम से कम 6-7 महीने में एक राउंड पूरी विधानसभा में कम्प्लीट हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आपकी शिकायत है तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आया करूं। एक और चीज थी, तीन चीजें आपने बोली थी पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन का ऐसा है, दो चीजें हैं, मैं अपनी पीठ नहीं सुन पा रहा। पूरे साल का अगर हम डेटा लें पोल्यूशन का, हमने कई सारे छोटे 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 कई कदम उठाए हैं। एक तो जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कंस्ट्रक्शन से मिट्टी उड़ा करती थी, हमारे मंत्री इमरान हुसैन खुद रेड मार के आते हैं, उनपे काफी पेनल्टी लगाते हैं ताकि मिट्टी ना उड़ा करें। इस तरह से कई सारे कदम है। अब 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक का जो पीरियड है, जिसमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है, क्रॉप बर्निंग होती है, उस वक्त वो वाला पीरियड ऐसा है जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। हमने कोशिश की, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात की, मैं खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलके आया, अभी भी कोशिश जारी है। उस पीरियड के अलावा जो बाकी का जो साल है उसके जो पैरामीटर्स उठा के देखें, पोल्यूशन धीरे 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 दिल्ली में कमी हो रहा है बाकी साल के अंदर। उस पीरियड में बहुत एक्सट्रीम होता है, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन अगर हमें लास्टिंग सोल्यूशन पोल्यूशन का निकालना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, आप लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तभी ये होगा। आप लोग भी गाड़ी छोड़ के तभी जाएंगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। आज बसें इतनी कम है और उसकी वजह से, तो अच्छी बात यह है कि हमारी 2-2.5 साल की जद्दोजहद के बाद अब इस महीने से बसों की फिजिकल डिलीवरी चालू हो रही है। इस महीने के अंत तक 30 बसें आ रही हैं, ये बढ़ते बढ़ते नवंबर तक 1000 बसों की डिलीवरी हो जाएगी। उसके अगले 3 महीने के अंदर 1000 बसें और आ जाएंगी, और उसके अगले 3 महीने के अंदर 1000 बसें और आ जाएंगी। तो अगले 10 महीने में दिल्ली में 3000 नई बसेस आ जाएंगी। तो मुझे लगता है फिर हम, मैं एक मेरा मॉरल वो होगा कि मैं लोगों को अपील कर सकूं कि अब गाड़ी में मत जाया करो, आपके लिए बसों का इंतजाम कर दिया, उसमें AC बसेस भी होंगी, नॉन AC भी होंगी, सब तरह की होंगी। लेकिन आज मैं कहूंगी गाड़ी मत यूज करो तो आप कहोगे जाए जाए कैसे। तो अब धीरे धीरे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब स्ट्रेंथन होगा तभी पोल्यूशन का लास्टिंग सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैडम की दो क्वेश्चंस थे, एक तो था बच्चों के लिए स्पेशल कोर्सेज। मैडम हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी दिल्ली में इस टाइम समर कोर्सेज चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और उसमें बच्चों को ये सब सिखाया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल आपके यहाँ से बहुत दूर पड़ेंगे, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या किया जा सकता है। एनडीएमसी में है ये कोर्सेज, ये चल रहे हैं, तो यहाँ पे एनडीएमसी के स्कूलों में भी चल रहे हैं कोर्सेज, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके यू कैन गेट इन टच विद देम। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सफाई के लिए, ये मैं कल ही बोलता हूँ उनको, क्या दो तीन महिलाएं इसकी जिम्मेदारी ले सकती हैं, फिर सफाई कर्मचारी उनके पास उनको रिपोर्ट किया करेंगे डेली। तो आप अपना नाम और नंबर लिखा दीजिए, सफाई कर्मचारियों को हम बोलेंगे, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, आप भी ले लीजिए, ठीक है? तो आप दोनों का नंबर लिखा दीजिए, दे विल रिपोर्ट टू यू। तो मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे ये तो आपकी समस्याओं के बारे में था। अब दो तीन बातें मुझे भी करनी है। सीसीटीवी कैमरे 1 जुलाई से 3 लाख कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगने चालू हो जाएंगे। आपके यहाँ का सर्वे कंप्लीट हो गया है, और जो पुराने कैमरे थे उसमें बड़ी दिक्कत है, वो रिप्लेस कर रहे हैं, सारे कैमरे रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1 जुलाई से 3 लाख कैमरे लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि चूंकि आप लोग मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं, तो पहले कैमरे आपके यहाँ लगेंगे, बाकी दिल्ली में फिर उसके बाद लगते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन रह गया? पोल्यूशन मैंने बता दिया अभी डिटेल में, उसका तो क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्लोज दिस रोड। अब मैं आता हूँ एक, अभी हम लोगों ने, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक योजना अनाउंस की थी कि दिल्ली मेट्रो और दिल्ली की बसों में किराया महिलाओं के लिए माफ किया जाएगा। जो जो लोग इसके समर्थन में है जरा हाथ खड़े कर दीजिए, दो जो जिन जिन लोगों को लगता है कि अच्छी स्कीम है, हैं जी? नहीं, कन्वीन्स नहीं कटेगी आपकी, ना ना कोई नहीं कटेगी। तो जो जो लोग इसके समर्थन में जरा सा अच्छे से हाथ खड़े कर दीजिए, जो जो इसके खिलाफ है वो हाथ खड़े कर दीजिए। तो यहाँ तो थोड़ा सा बराबर बराबर वाला मामला लग रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो इसका विरोध में जो बोला जा रहा है। एक ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल सब कुछ मुफ्त करता जा रहा है, पर ये तो आप ही का पैसा मैं आपको वापस कर रहा हूं, मेरा तो पैसा है नहीं। अगर 700 800 करोड़ इसमें लगेंगे तो मेरा पैसा नहीं है, ये आप ही ने टैक्स दे रखा है, आप ही का पैसा आपको वापस कर रहा हूं। अभी तक इस देश की राजनीति ये थी कि जितने पहले पार्टीज नेता आते थे, इतना करप्शन होता था, सारा पैसा चोरी हो जाता था, बहुत सारे नेताओं ने अपने घर भर रखे हैं। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो पैसा बचा बचा के ईमानदारी, आपने 4 साल पहले एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया था, अब वो पैसा बचा बचा के अगर हम आप लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ इतने सारे स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही अच्छी हो गई है, उन सारे स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन है, तो क्या हमें कहना चाहिए कि एजुकेशन फ्री क्यों दे रहे हैं केजरीवाल? आज दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप एनडीएमसी एरिया में रहते हो, आप मोस्टली ऑल इंडिया मेडिकल या सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया में जाते होंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जीटीबी है, जीबी पंत है, ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, 35 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त हो गई हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हो गए हैं, सारा इलाज मुफ्त हो गया है। अगर आपके घर में सीरियस बीमारी किसी को होती है और 15 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आता है बीमारी पे, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सारा इलाज मुफ्त होगा, एक पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये गलत बात है? क्या इलाज कहना चाहिए कि केजरीवाल मुफ्त दवाइयां क्यों दे रहा है, केजरीवाल मुफ्त टेस्ट क्यों करा रहा है, केजरीवाल मुफ्त ऑपरेशन क्यों करा रहा है? ये आप ही का पैसा था जो हम लोगों ने बचाया, कोई हमारी जेब से तो जा नहीं रहा, मेरे पास तो इतने करोड़ रुपए हैं नहीं। अगर आप ही का पैसा मैं आपके बच्चों की शिक्षा के, अच्छी शिक्षा के लिए खर्च कर रहा हूं और फ्री शिक्षा दे रहा हूं, अगर आपके बच्चों की हेल्थ के लिए खर्च कर रहा हूं और फ्री हेल्थ दे रहा हूं,
आपके परिवार की हेल्थ के लिए, इसमें बुरा क्या है? बिजली इतनी महंगी हुआ करती थी, मुझे याद है हमारी सरकार के पहले इतनी महंगी बिजली हुआ करती थी, अगर हमने पैसे बचा के आपको बिजली की सब्सिडी देके आपको बिजली सस्ती कर दी, इसमें बुरा क्या है? आज दिल्ली के अंदर हम पूरे दिल्ली में पाइपलाइन बिछा रहे हैं और हमने 20,000 लीटर पानी हर परिवार के लिए मुफ्त कर दिया, इसमें बुरा क्या है? आप ही का पैसा है, आप ही के ऊपर तो खर्च कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे पैसे की। अगर हम चोरी कर लेते और मुफ्त ना देते तो क्या ये लोग खुश थे? विपक्षी पार्टियां भी हमारा विरोध कर रही हैं, टीवी चैनल वाले भी विरोध कर रहे हैं कि ये तो सही नहीं है। तो अगर आज महिलाओं का मेट्रो का किराया और बसों का किराया अगर माफ हो जाएगा, ये केवल उनकी सेफ्टी का मामला नहीं है, महिलाएं सशक्त होती हैं इससे, महिलाएं दूर दूर जाके जॉब्स ले सकती हैं, महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है, क्या आज हमारे देश में महिलाएं बराबरी, महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है? नहीं मिलता हमारे समाज के अंदर। आज हमारे समाज के अंदर पैदा होने से पहले पता चल जाए बेटी पैदा होने वाली है, उसका अबॉर्शन करा देते हैं। आज हमारे समाज के अंदर अगर एक घर के अंदर पैसा इतना हो कि दो बच्चियां, एक बेटा और एक बेटी है, और पढ़ाने के लिए एक का ही पैसा है, तो बेटे को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते। हम किस जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? अगर ऐसे समाज के अंदर एक सरकार ऐसी आई है जो महिलाओं का ख्याल रखती है और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, इसमें बुरी बात क्या है? अगर महिलाओं का किराया मुफ्त होगा, महिलाएं नई नई दूर दूर नौकरी पे जा सकेंगी, महिलाएं कॉलेज जा सकेंगी, महिलाएं स्कूल जा सकेंगी, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छी बात है, होना चाहिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? केवल विरोध के लिए, राजनीति के लिए विरोध होना तो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं मैंने अपनी बात क्लियर कर दी होगी जो इसके पीछे हम लोगों की मंशा है। अब मैं दो चीजें और बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने 4.5 साल पहले हमें वोट देके जिताया था, भारी बहुमत दिया था, 70 में से 67 सीट दी थी। एक नई पार्टी थी जिसका बीजेपी और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टियां थी, और आप लोगों ने हम जैसे छोटे लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जब से हमें ये काम मिला है, रात दिन 24 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ इसमें लगे हुए हैं। आज 4 साल के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 क्षेत्रों के अंदर इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिसका चर्चा पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, पता है आप सब लोगों को सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, पता है कि नहीं पता? दिल्ली के अभी सरकारी स्कूलों के नतीजे आए हैं, 94% रिजल्ट आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, कभी सुना था? आप दूसरे राज्यों में पूछो, किसी स्टेट में 45%, किसी स्टेट में 50%, 94% बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के पास हो गए। सरकारी स्कूलों के बच्चे लास्ट ईयर 350 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के IITs के अंदर गए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT के अंदर गए हैं, सुना था कभी? वो एडवोकेट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। असली देश तो इस तरह से, शिक्षा जब सबको मिलेगी तभी तो देश पैदा होगा, देश का निर्माण होगा। 4 साल के अंदर जब सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, 4 साल के अंदर इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कोई हंसी खेल नहीं है। रात दिन 24 घंटे की मेहनत चाहिए। मनीष सिसोदिया जी एक एक स्कूल में जाके सबसे मुश्किल, बिल्डिंग बनाना बहुत आसान था, आज बिल्डिंग शानदार बन गई है, फैसिलिटीज क्रिएट करना बहुत ईजी था, पानी, सिक्योरिटी, सफाई, ये बहुत आसान था, सबसे मुश्किल था टीचर्स को मोटिवेट करके, प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करके बच्चों को पढ़वाना। आज सारी टीचर्स, सारी टीचर फोर्स हमारी बिल्कुल मोटिवेटेड है, उनको हमने फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा, IIMs के अंदर हमने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। आज 4 साल में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को हमने फीस नहीं बढ़ाने दी, जिस स्कूल ने फीस बढ़ाई ऑर्डर पास करके पैसे वापस कराए, कभी सुना था 70 साल में प्राइवेट स्कूल फीस वापस करते हैं? अभी चुनाव के दौरान कुछ स्कूलों ने कोर्ट में जाके, हमने कहा फीस वापस करो, कोर्ट में जाके वो स्टे ऑर्डर ले आए कि फीस वापस नहीं करेंगे। चुनाव का टाइम था, हम स्टे ऑर्डर पड़ा रहने देते, स्कूल वालों से डोनेशन ले लेते हम पार्टी के लिए, चुनाव हमने भी लड़ना था, पैसे की तो बहुत कमी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।
हमने बहुत बड़ा वकील खड़ा किया, स्टे वेकेट करवाया और उन स्कूल वालों से पैसे वापस करवाए चुनाव के दौरान सारे पेरेंट्स के। ये पहली बार हो रहा है देश के अंदर। आज बिजली 24 घंटे मिल रही है दिल्ली के अंदर। मेरे को याद है हमारे चुनाव पिछले, हमारे से पहले हर साल इन्वर्टर की बैटरी खरीदनी पड़ती थी, इन्वर्टर की बैटरी चेंज करानी पड़ती थी। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों ने कोई 4 साल में इन्वर्टर की बैटरी खरीदी होगी। 24 घंटे बिजली आ रही है दिल्ली के अंदर। पानी की स्थिति सुधर रही है, बिजली सबसे सस्ती हो गई दिल्ली के अंदर। और अब सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं, बसेस आ रही हैं, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। और केवल एक कारण से आप लोगों ने 4.5 साल पहले एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट ना दिया होता और बीजेपी या कांग्रेस की किसी की सरकार आ जाती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सरकारी स्कूल ठीक होते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या प्राइवेट स्कूलों की फीस डिसिप्लिन होती? क्या सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती? सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता? सरकारी अस्पताल अच्छे होते? क्या मोहल्ला क्लिनिक बनते? क्या बिजली 24 घंटे होती? नहीं होती। वो केवल आपके एक डिसीशन की वजह से हुआ था जो आपने 4 साल पहले किया था। अब 6 महीने बाद चुनाव है। इन चुनावों में खुदा ना खास्ता अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती, ये सारे सरकारी स्कूल वैसे ही हो जाएंगे, ये सारे सरकारी अस्पताल वैसे ही हो जाएंगे, बिजली वैसी हो जाएगी, पानी भी वैसा ही हो जाएगा। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम यहां तक पहुंचे हैं। 70 साल का डेफिसिट था, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। अभी अपनी दिल्ली को सुंदर बनाना भी बाकी है। चारों तरफ कचरा ही कचरा रहता है, कचरा ही कचरा रहता है। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली खूबसूरत शहर बने। आप में से बहुत सारे लोग लंदन जाते होंगे, पेरिस जाते होंगे, दिल्ली को भी वैसे ही बनाएंगे। क्यों नहीं बन सकती दिल्ली? बन सकती है, हम ही लोगों को बनानी है। तो जैसे शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, दिल्ली को सुंदर भी बनाएंगे। बच्चों के लिए रोजगार तैयार कर रहे हैं हम, 70 स्किल सेंटर्स बना रहे हैं जहां से सीधे बच्चों को नौकरियां मिला करेंगे। एक एक साल का कोर्स कराएंगे, उनको स्किल देंगे और उनको नौकरी दिलवाएंगे। तो बहुत सारा काम करना बाकी है। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। 5 साल में जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश की, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने पहले सपोर्ट किया था, उससे भी ज्यादा सपोर्ट आप इस बार करेंगे। थैंक यू सो मच।